जैसे जैसे लोकसभा मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, हर पार्टी की तरफ से अपने वोटर्स को लामबंद करने के लिए रैलियां की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत महारानी परनीत कौर लोकसभा हल्का पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार के साथ लाइव 24 टीम की संवाददाता शिल्पी गांगुली ने अहम मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि महारानी परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पंजाब के मौजूदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी हैं। ये पहले 3 बार लगातार 2014 सांसद रही हैं और पूर्व विदेश राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से कम वोटों के अंतर से हार गई थी। आइए क्या कुछ कहा महारानी परनीत कौर ने, सुनवाते हैं आपको। ये सफर मेरे लिए सबसे अच्छा सफर है क्योंकि मैं आज महारानी साहिबा के साथ हूँ और पटियाले की महारानी साहिबा रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हैं। दुनिया में पहली बार अभी भी रॉयल फैमिली जीवित है, इसको इसका हिसाब हमें पंजाब से मिल सकता है, इसलिए महारानी साहिबा से 2 शब्द उनके बारे में जानना चाहूँगी। मैम, आपका जीवन एक महारानी होने के बावजूद कॉमन पर्सन के साथ कैसा रहता है? मेरे ख्याल में आज के युग में जैसे ट्रेडिशनल पुरानी महारानी थी वो तो जीवन होता ही नहीं है जी। जीवन मेरा लोगों के साथ है, सोशल वर्क में मैंने शुरुआत की जब मेरी शादी हुई 3-4 साल पहले। 64 में शादी हुई तो समझो 67-68 से मैं सोशल वर्क में लग गई और फैमिली में 67-68-69 में कैप्टन साहब अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, उनका साथ दिया। सो जीवन मेरा पब्लिक में ही रहा। मैम, अगर अपोजिशन पार्टी जीतती है तो आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहोगे? देखो, ये पीछे की बातें हैं, ये जो पार्टी इसका ले पार्टीज इनका बैठ के इसका फैसला करेंगे तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। मैम, ये आपके यहाँ के धर्मवीर गांधी जी का ये कहना है कि इन्होंने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कराया, पासपोर्ट ऑफिस बनवाया और भी बहुत सारे क्लेम्स हैं इनके, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, पहले मैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लूँ, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल लाइन बनी है मलेरकोटले तक वाया धूरी बरनाला, ये पवन बंसल जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, रिकॉर्ड के ऊपर है कि उनके टाइम में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और पास हुआ और हुआ। सो ये गांधी जी की देन नहीं है। जहाँ तक पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, सेवा केंद्र है, ये 2012 में एक डिसीजन लिया गया था, मैं मिनिस्टर थी, कि 70 रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इंक्लूडिंग सेवा केंद्र ये खोलने सहूलतें देने के लिए लोगों को, तो तब मैंने पटियाले का नाम डलवाया था। मुझे ये भी पता था कि ये लास्ट फेज में होगा, पहले रीजनल ऑफिस खोलेंगे फिर उसके बाद सेवा केंद्र खोलेंगे में, और लास्ट फेज में पटियाले का नाम आएगा, और वो आया 2017 में जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं नहीं थी और ये सांसद है, पर ये ऑन रिकॉर्ड है कि जून 2012 में ये डिसीजन ली गई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। मैम, पंजाब में ऐसा माना जाता है कि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे कैप्टन साहब ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया है और किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें पता हो जाती है कि इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पर चल रहा है तो क्यों नहीं हम इसको किसी लीगैलिटी में बदल देते हैं और इसके लिए आप क्या कार्य कर रही हैं? देखो, इलीगल हम रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों को इतनी उतावली होती है कि आज ही जॉब मिल जाए, आज ही जाकर हम बढ़िया कर लें। जी, 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 जी। उनकी बात भी ठीक है क्योंकि जब कोई सरकार करती है पहले उनको उसके साधन बनाने पड़ते हैं। जी, जी, जी। 2-2.5 साल तो वैसे ही लग जाते हैं कि लोगों में ये पेशेंस नहीं है, और पेशेंस के अलावा उनको जरूरत है कि एकदम उनको नौकरी मिले, तो वो सोच रहे हैं कि चलो बेच बूझ के हम चले जाएं। इनको एक्सप्लॉइट करते हैं जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स की लिस्ट ले ली, इन एजेंट्स के ऊपर रोक लगा के तभी हम इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि नशा मुक्ति अभियान आपने बहुत चलाया और कई हद तक सफल रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी घर घर में ये नशा मुक्ति हो चुकी है पंजाब में या कुछ काम और भी बाकी है? मेरे ख्याल में जो काम गवर्नमेंट ने करना था वो उन्होंने पूरा अपना सिस्टम सेट कर लिया है, अब लोगों के पास पहुंच कर रहे हैं, और जितनी देर
बढ़ से बढ़ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो इसमें तो ये पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज है कि कहीं से भी आ सकती है, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हुई है और हमें पूर्ण आस है कि हम सफल होंगे, पर थोड़ा और टाइम लगेगा। इस इलेक्शन की आखिरी चरम सीमा पर आप किसको प्राइम मिनिस्टर सोचते हो? क्या राहुल गांधी मच्योर्ड इनफ है कि वो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सके? बिल्कुल, कई देशों में देखो इनसे भी छोटी उम्र के हैं और इन्होंने तो रगड़ा खाकर काम कर कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या समझकर इनका अब एक्सपीरियंस हो गया है। इनकी हार्डवर्क, इनकी टीम की हार्डवर्क के बदौलत हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीते, पंजाब जीते, अब ये रोल चल पड़ा है और ज़रूर इनकी पूरी काबिलियत होगी प्रधानमंत्री बनने की। सिद्धू साहब ने ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी, वो ब्लैक अंग्रेज है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सिद्धू साहब का अपना तरीका है काम शब्दों का यूसेज करना, बोलने का, लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके के साथ सब कुछ पेश करते हैं, पर जो वो कहते हैं वो उनसे पूछो, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फिलहाल की जो गतिविधियाँ दिख रही हैं उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें यहाँ पे आपको लग रहा है इस साल 2019 में मिलने की? जैसे देख रहे हैं, जैसे सपोर्ट मिल रही है पूरे पंजाब में कांग्रेस पार्टी को, कैप्टन साहब को, राहुल जी को, ऐसे लग रहा कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे हम। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनली चूज करना पड़े बिटवीन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगी? कोई पर्सनल मेरे इसमें कुछ है नहीं, राहुल जी हमारे प्रधान हैं, प्रियंका जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों ने मिलकर काम बहुत बढ़िया किया है, ये पार्टी का डिसीजन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले महारानी साहिबा जी से और हम आशा करते हैं कि इस बार इलेक्शंस में भी हम बहुत अच्छी तरह से विन करेंगे। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मैंने तो कभी विश्वास ही नहीं किया था कि इतने रॉयल रैंक की लेडी इतनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी अच्छी होंगी, हमें तो लगता ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि आप कॉमनर्स के बीच की बिल्कुल कॉमन महिला हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका।